बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फिलियोगो स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए एसर का एक और लैपटॉप एसर एस्पायर 3 जो कि रेजन 5 प्रोसेसर के साथ में आता है, जहां पर स्टोरेज आपको SSD भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट करके इसके अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, कैसा ये लैपटॉप, बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वो लैपटॉप जिसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, एसर एस्पायर 3 A3015-23 है। यहाँ पर आप देख लीजिए मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। वहीं दोस्तों बॉक्स की दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो मेंशन किया गया है, जो कि 52,999 रुपीज है। लेकिन ये लैपटॉप दोस्तों इतना महंगा नहीं है, ये इससे कम कीमत में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहां से इसका ऑनलाइन करंट प्राइस क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए फटाफट इस लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से चीजों को अरेंज करके रखा गया है, जहाँ पर सबसे पहले हमें एक पावर कॉर्ड देखने को मिल रहा है जिसकी क्वालिटी वाकई बहुत बढ़िया है। दूसरा यहाँ पर हमें एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि आपके इस लैपटॉप को चार्ज करेगा, जिसका डिजाइन कॉम्पैक्ट रखा गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ मैनुअल्स यहाँ पर एसर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप में HDD अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक किट प्रोवाइड की गई है, आपको मार्केट में अलग से इस चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एसर की ये चीज़ मुझे वाकई बहुत बढ़िया लगी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा वो मेन यूनिट, निकाल लेते हैं इसको इसके बैग से बाहर। दोस्तों ये लैपटॉप सिल्वर कलर में है, सामने एसर की तरफ लोगो, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों इस लैपटॉप का वेट 1.9 kg है। वहीं दोस्तों सामने की तरफ से अगर आप इस लैपटॉप को देखेंगे तो इसका डिजाइन स्लिम रखा गया है। बात करें दोस्तों इसके पोर्ट्स की तो इसके राइट साइड में हमें USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, कुछ इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पर दी गई है, और मिल जाता है USB टाइप ए पोर्ट, साथ ही यहाँ पर 3.5mm ऑडियो माइक कॉम्बो पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो ये एरिया बिल्कुल प्लेन रखा गया है और हिंचेस भी यहीं पर प्रोवाइड की गई हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड के पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक चार्जिंग पिन पोर्ट दिख जाएगा, दूसरा एक RJ45 पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है जो कि लैन कनेक्टिविटी के लिए है, एक HDMI पोर्ट यहाँ पर दिया गया है और दो सुपर स्पीड USB टाइप ए पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे इस लैपटॉप के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों लैपटॉप के बैक पैनल पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको रबर कुशनिंग स्ट्रिप दी गई है जिससे इसकी हाइट टेबल पे बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ग्रिल दी गई है ये एयर वेंटिलेशन के लिए दी गई है, जिससे इस लैपटॉप को कूलिंग होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप के टॉप पैनल को ओपन कर लेते हैं और हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है कीबोर्ड के ऊपर लगा हुआ एक डस्ट पेपर, इसको रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों रिमूव करने के बाद काफी कुछ इस तरह से दिख जाता है ये लैपटॉप। एसर की तरफ से सिंपल डिजाइन वाला लैपटॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस लैपटॉप को बूट करके इसका सेटअप वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और जब तक ये सारा काम होता है तब तक आप भी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलती रहे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच करिएगा ताकि आपसे कहीं कोई अहम जानकारी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ये बूट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये लैपटॉप पूरे तरीके से प्लास्टिक बॉडी का आता है, मैं यहाँ पे प्रेशर वगैरह लगा के देख रहा हूँ ये उतना नहीं दब रहा है। यहाँ पर दोस्तों बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, टॉप पर भी आप देख सकते हैं मैं प्रेशर वगैरह लगा के देख रहा और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ हाई ब्राइटनेस वाला एसर कम्फाई व्यू 15.6 इंच का फुल HD DFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 1920x1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कलर गैमट 45% HDSC है। साइड से भी दोस्तों आप इस डिस्प्ले को देख सकते हैं, जहाँ पर इसकी स्क्रीन की क्वालिटी का आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा।
डिस्प्ले के ठीक नीचे दोस्तों आपको एसर और एस्पायर की ब्रांडिंग यहां पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस लैपटॉप में ट्रैक पैड का साइज डिसेंट दिया गया है, जहां पर इंटीग्रेटेड लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों इस लैपटॉप में नम पैड के साथ फुल कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आप इस कीबोर्ड का की का ट्रैवल देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल ही रखा गया है। एसर की तरफ से बढ़िया और स्मूथ कीबोर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों इस लैपटॉप के इंटरनल पावर की, तो यहाँ पर हमें 12 NM टेक्नोलॉजी पर बेस 3500U वेरिएंट वाला AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.1 GHz की है, जो कि टर्बो बूस्ट के साथ 3.7 GHz तक जाती है। दोस्तों ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि प्रोसेस करता है टोटल 8 थ्रेड्स को। साथ ही L3 कैश मेमोरी 4 MB की देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों इस लैपटॉप में 8 GB की DDR4 RAM प्रोवाइड की गई है, जहां पर RAM फ्रीक्वेंसी 2400 MHz है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2 of 2, यानी इस लैपटॉप में 2 RAM स्लॉट्स दिए गए हैं और दोनों ही स्लॉट्स में 4 GB की RAM प्रोवाइड की गई है, टोटल 8 GB, जिसे आप 32 GB तक इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस लैपटॉप में आप 512 GB की SSD प्रोवाइड की गई है, जहां पर आपको टोटल 477 GB तक का स्पेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी का स्पेस सिस्टम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर चुका है। और इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इस लैपटॉप को 2 TB तक HDD से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस लैपटॉप में AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको 2 GB की डेडिकेटेड मेमोरी दी गई है, जो कि काफी बढ़िया बात है। आपको गेमिंग वगैरह यहां पर करने में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट में दोस्तों इसके वेबकैम प्रोवाइड किया गया, जो कि 720p को सपोर्ट करता है, जहाँ पर आपको डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों इस लैपटॉप में विंडोज 11 देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइफ टाइम एक्टिवेशन के साथ में आता है। दोस्तों इस लैपटॉप की स्क्रीन को आप 180 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ओपन करने की कोशिश मत करिएगा, वरना इसके हिंजेस के ब्रेक होने का चांस बढ़ जाएगा। दोस्तों इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ ट्रायल वर्जन ही दिया गया है, जिसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इस लैपटॉप में वाईफाई 6 प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बात करें दोस्तों इसके बैटरी बैकअप की, तो यहां पर आपको आसानी से 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, अगर आप कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप एडिटिंग जैसा हैवी वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 1.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका बजट 45,000 के आसपास में है और आप एसर में एक बढ़िया लैपटॉप देख रहे हैं, जहां पर आप एडिटिंग से लेकर के गेमिंग वगैरह तक इजीली कर सके, तो यकीन मानिए दोस्तों ये वाला लैपटॉप आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये एक बढ़िया मल्टीटास्किंग लैपटॉप है। तो दोस्तों ये था वो एसर का लैपटॉप जिसकी अनबॉक्सिंग आपने देखी, साथ ही जाना इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों मेरे हिसाब से लैपटॉप बहुत बेहतरीन है। वापस से अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी लाजवाब है। हालांकि प्लास्टिक बॉडी ही यहाँ पर दी गई है, लेकिन बढ़िया मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। वैसे आप सबकी क्या राय इस लैपटॉप के बारे में, वीडियो को देखते हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें इसी तरह से हमारे साथ, देते रहें अपना ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।